अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक इन्वर्टर आया है, इन्वरेक्स 5 kW VP मॉडल है, पुराना मॉडल। इसका फॉल्ट मैं आपको बताता चलूँ, ये पीस ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद फॉल्ट दे रहा है। वो फॉल्ट देखते हैं क्या फॉल्ट है, वो फॉल्ट आपसे शेयर करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे और इसमें क्या क्या मसले हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, वो सारी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको फॉल्ट चेक करवा दूँ, ये फॉल्ट चेक करें इसका। ये मैंने ऑन किया बैटरी में, इसको मैंने सप्लाई दे रखी है, ये अभी कुछ देर में फॉल्ट शो करेगा। ये देखें दोस्तों, ये 09 का एरर दे रहा है, 09 फॉल्ट। अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं 09 का मसला आखिर है क्या और ये किस वजह से फॉल्ट दे रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी इसका ढक्कन हम उतार चुके हैं, अभी इसको बोर्ड को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या मसला है। अच्छा दोस्तों, बोर्ड को हम बाहर निकाल चुके हैं और अभी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ज़ाहिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये इसके IGBT लगे हुए हैं, 40-63 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 40-63 के IGBT लगे हुए हैं इसमें। और ये देखे दोस्तों, इस साइड ये बूस्टर साइड है इसकी, इसमें 108 लगे हुए हैं, ये इसके बिल्कुल बर्न है, जले हुए, फटे हुए। देखें ये दो साइड है तो बिल्कुल बुरी तरह शॉर्ट है, फटी हुई हैं, जली हुई हैं और दो साइडें जो है ये दिखने में तो सही आ रही हैं। अब इसको मीटर से चेक करते हैं कि इसमें आया कि क्या मसला है। अच्छा दोस्तों, ये मीटर सामने आ चुका है, मीटर मैंने डायोड पे रख लिया है, अभी इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सी साइड किसकी शॉर्ट है। ये देखें दोस्तों, ये साइड भी शॉर्ट बता रही है और ये साइड जी वेरी कर रही है, इसका मतलब ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, शॉर्ट है। ये देखें दोस्तों, प्रॉप घुमा के लगाई मैंने, ये भी शॉर्ट बता रही है, ये साइड भी शॉर्ट है इसकी, ये साइड भी शॉर्ट है। अभी चलते हैं IGBT की तरफ कि IGBT की कौन सी साइड जो है वो इसकी ख़राब है, IGBT चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसके IGBT भी शॉर्ट है, ये चार्जिंग साइड वाले ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये डायोड भी शॉर्ट बता रहा है। डायोड तो चलो IGBT की वजह से शॉर्ट बताता है, आप दोस्त जो रिपेयरिंग करते हैं हजरात, उनको तो खैर पता होगा इस चीज़ का। ये देखें, ये सही है, ये वाली साइड सही है, ये इसकी इन्वर्टर साइड दोस्तों ओके है, सिर्फ ये जो चार्जिंग IGBT वाली साइड है, ये 35-25 पे जो कंट्रोल हो रहे हैं वो, और बूस्टर साइड, इसकी दोनों साइडें जो हैं ये शॉर्ट बता रही हैं। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं ख़राब हैं, कितने सारे इसके ख़राब हैं, कितने क्या हैं, वो सारा आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। और दूसरा ये आपको बताता चले, इसकी SMD भी ख़राब हैं, ये देखें दोस्तों, ये इसकी SMD जो है, ये देखो ये बीच वाली जो लगी हुई, मैं आपको ये देखें दोस्तों, ये वाली जो
इसकी रेजिस्टेंस है, ये भी जली हुई आ रही है, ये इसकी देखो बर्न है, ये सही है, ये भी जली हुई है। अभी इसकी सारी रेजिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे और आपको बताएंगे इसमें कितनी रेजिस्टेंस ख़राब थी, क्या है सारा पूरा इसका जितना भी मसला है आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर लाजमी करें। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये पहले भी कहीं से रिपेयर हुआ हुआ है। ये देखें, ये जो इसके ये लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, ये इसके निकले हुए हैं पहले कहीं। ये देखें, ये SMD रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, ये भी इसकी घुमा फिरा के लगाई हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को बिल्कुल एक तरफ जेन्युइन करेंगे ओरिजिनल तरीके से, जैसे ओरिजिनल रिपेयर होता है, पूरा का पूरा इसको ओरिजिनल बनाएंगे इंशाल्लाह, और सारी की सारा पूरा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह सारा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं हमारे। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम इसके जो है ना FET और IGBT निकाल चुके हैं। ये इसके 3 IGBT शॉट थे, ये 2 सही है, 1, 2, 3 ये शॉट है इस तरफ वाले, और दूसरे साइड के FET हमने सारे निकाल दिए हैं। ये देखें, इसको साफ़ भी कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी इसके नीचे की जो SMD वगैरह रह गई हैं उनका काम है, वो करते हैं। उसके बाद इसकी सारी वैल्यू जो है आपको चेक करवाएंगे कि इसकी कितनी कितनी क्या क्या वैल्यू आती है, वो सारा आपको हम चेक करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें जी। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसको जो है ना रेडी कर चुके हैं, इसमें फिट कर चुके हैं। IGBT मैंने इसके सारे निकाल दिए, लेकिन इसके शार्ट धोते मैंने कहा नहीं, ऐसे करते हैं इसको पूरा का पूरा जेन्युइन लगाते हैं। सारे इसके IGBT मैंने चेंज कर दिए, 60 HP लगाए इसमें सारे, और इस तरफ जो है मैंने ये बूस्टर साइड देखे मैंने रिपेयर कर दिया है सारा, इसका जो है जितने भी ट्रांजिस्टर वगैरह थे FET सब चेंज करके 100E10 लगाया मैंने इसके अंदर। और इसकी SMD मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें दोस्तों, ये कुछ ऐसी SMD भी जो है, आपको इसके टांगे नए लगन नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ SMD में इसकी ख़राब थी, वो भी इसकी चेंज करी है। और ये पूरा का पूरा बोर्ड आपके सामने, ये IGBT मैंने सारे 5 के 5 इसके चेंज कर दिए। मैंने कहा ऐसे नहीं, वो 40 से 60 लगाए हैं और वो वाले, इससे अच्छा मैंने कहा पूरा इसको जो है इसको साफ करके अच्छी तरह सारा रिपेयर कर दिया है। अभी इसको करते हैं बॉडी में फिट, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा पीस कैसे रेडी हुआ है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, इसको हम बॉडी में फिट कर चुके हैं, अभी इसको हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि ये हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। ये मैंने बॉडी लगाई, इस पर सप्लाई मैंने दे रखी है, ये देखें आप 52 वोल्ट दे रहा हूँ इसको, इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें दोस्तों स्क्रीन, ये आउटपुट दे दी इसने माशाल्लाह से। दोस्तों हमारा पीस माशाल्लाह रेडी हो चुका है, 230 वोल्ट आउटपुट पीस हमारा रेडी है, ठीक है दोस्तों। अभी इसके हम और लोड वगैरह देंगे और हम चेक कर लेंगे इसको। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।